नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। 13th नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो मोती झील के अंदर आयोजित हो रहा है, चंपारण बापू की कर्म भूमि के नाम से जिसे जाना जाता है, तो यहां पे अलग अलग स्टेट्स के टीम के लोग जो आए हुए हैं उसमें से जम्मू कश्मीर टीम के जो खिलाड़ी हैं वो भी हमें नज़र आए और उनके कोच। तो हम इनसे भी बात करेंगे कि ये लोग यहाँ आकर के कैसा फील कर रहे हैं और कल के मुकाबले को लेकर के, कल के मैच को लेकर के, कल या परसों जो दो दिन होने हैं वो लोग, ये लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। पहले बात करें सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुख्तार अहमद भट्टा जी। मैं जे एंड के से हूँ। तो मैं ऐसा पुलिस मैन खेलता हूँ वहाँ पर सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम में। तो अभी मैं स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर जे एंड के की तरफ से जी। तो सर यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि कल हम मेडल, क्योंकि हम पिछले बार भी अच्छी परफॉर्मेंस से इस बार लगता है इससे अच्छी भी परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। गोल्ड पे उम्मीद है तो इंशाल्लाह गोल्ड ही लाएंगे। बाकी जितनी हमने मेहनत की है रमज़ान के टाइम में, तो इंशाल्लाह अच्छा ही रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। मोती झील जो यहाँ शहर के बीचों बीच है, इसकी इसका कंपेरिजन जो है डल झील के तौर पर किया जाता है। आप लोग दोनों को देखे हुआ, दोनों में आप यहाँ भी प्रैक्टिस किए और वहाँ भी आपने किया होगा, क्या फ़र्क देख रहे हैं आप या क्या समानता देख रहे हैं क्या दोनों में? जो है बोलते हैं ना, दुनिया की खूबसूरती कश्मीर है और कश्मीर की खूबसूरती डल लेक है। जाहिर सी बात, और डल लेक और इसमें कंप्रोमाइज़ करना वो तो गलत होगा ना, क्योंकि कहाँ डल लेक और कहाँ, ये भी अच्छी है इसमें कोई शक नहीं है, बट डल लेक की तो अलग ही खूबसूरती आपको खुद भी पता होना चाहिए। बाकी ये भी अच्छा है, तो इंशाल्लाह हमारा यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा है। वैसे हम लास्ट बार दिल्ली गए थे, दिल्ली में तो उतना अच्छा नहीं था, यहाँ पर फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है जी। तो सुना था तो बिहार बड़ा मतलब अनडेवलपमेंट है, आज लगता है कि बिहार भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जब आज यहाँ मोतिहारी झील है ना यहाँ पर आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब मोती झील डेवलप नहीं है और उस काबिल नहीं है कि इस तरह के, कई लोगों को आश्चर्य भी होता है कि इस तरह के गेम्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो डल झील से इसकी जो कंपैरिजन किया जाता है कि भाई बिहार का डल झील है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है, क्योंकि ये लोग भी ये कह रहे हैं कि जो है उस तरह की बातें जो है खासियत यहाँ पे है। और बिहार को एक जो है जो पिछड़ा तबका का राज जो है कहा जाता था, वो चीज़ें जो है इन लोगों के जहन में नहीं है। आपका क्या नाम है? मशकूर है महराज जी। हाँ, आप कब से खेल रहे हैं? हाँ, एक दो साल हो गया मुझे भी खेलते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन से गेम्स खेले हैं आपने? कया खेला है और ड्रैगन बोट हम खेलते हैं, मेन यही है ड्रैगन बोट। यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी जगह है, लोग भी अच्छे हैं। ओके, ठीक। ख़ास तौर से जब जम्मू कश्मीर की बात होती है, जो फीमेल हैं उनकी आज़ादी को लेकर के बात होती है और बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नकाबपोश जो महिलाएं हैं वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन रही हैं और बड़े फख्र के साथ जो है इस मैच में या इस जो ड्रैगन बोट जो चैम्पियनशिप हो रहा है इसमें हिस्सा ले रही हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मारिया। आप कब से खेल रही हैं? एक साल से खेल रही हैं। कितने मैचे टूर्नामेंट खेला है आपने और कैसा अनुभव रहा है आपका? फर्स्ट अच्छा रहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरहाना जफूर है जी। आप कब से खेल रही हैं? मेरे को 2 साल हुए खेलते हुए। मैंने पहला नेशनल डल लेक में खेला है, मेरा दूसरा नेशनल है आपका जी। तो इस तरह के गेम्स जो है आमतौर से जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो नहीं खेलती हैं ऐसा कहा जाता है। आप लोग को यहाँ पे ड्रैगन बोट चैम्पियनशिप खेलते देखा जा रहा है, आप लोगों का जो फैमिली सपोर्ट है या तमाम चीज़ें जो होती हैं वो किस तरह? हमारा फैमिली सपोर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा सा है, फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारे जो है जैसे रिलीजन की बात आती है तो ऐसा कुछ नहीं है, बस लड़की पर्दे में होनी चाहिए, अपनी लिमिट से इस्लाम में वो चीज़ होना चाहिए। बाकी हमारे इस्लाम में कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि लड़कियाँ स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। हम लोग बराबर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, हर एक फील्ड में लड़कियाँ हमारी आगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मिसकॉन्सेप्ट है। तो अपने हदूद में रह करके जो है आप खेल सकती हैं और तमाम चीज़ें जो हैं ये कर सकती हैं। तो ये 2 साल से आप लोग कर रही हैं, अब तक का एक्सपीरियंस कुछ बताएं आप? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा पहला आउटडोर गेम है, मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ खेलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे, जो
फेमस लेक है यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे लाइक अच्छे लोग हैं, लेक भी अच्छी है बट एज कम्पेयर डल लेक के बराबर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डल लेक की तो अपनी अलग ब्यूटी है, तभी तो डल लेक को पूरा वर्ल्ड जानता है। कश्मीर को जन्नत बेट कश्मीर कहते हैं। तो आप लोग जन्नत से आए हैं। हाँ जी, हम जन्नत। और यहाँ आप लोग के यहाँ आने से ये जगह भी जन्नत की तरह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कल के मैच को लेकर के आप लोग किस तरह से एक्साइटेड हैं? और जो है गोल्ड तो इस साल J&K लेके जाएंगी, बाकी टीम्स को बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल तो गोल्ड तो हमारा ही नाम है। गोल्ड आप ही लोग लेके जाएंगे? गोल्ड इंशाल्लाह J&K साल लेके जाएंगे। रमजान में भी बहुत मेहनत की है हमारे, रोजे में हम लोगों ने रोजे में थे, हम लोग खेल रहे थे रोजे में भी हम खेलते थे। हमारी मेहनत इंशाल्लाह, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत हमारे रंग लाएगी कल के इवेंट में इंशाल्लाह। तो प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? हाँ, हम लोग अभी से उतर गए, लाइक अभी आए बोर्ड से उतर के। प्रैक्टिस अच्छी हुई, बाकी टीम्स की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बट बेस्ट ऑफ लक, होप सो कि मेडल हम ले जाएंगे। हमारी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और बहुत बधाई यहाँ पे खेलने के लिए और इस तरह के गेम्स में आप लोगों को आगे आने के लिए। ये आप सबको बहुत जो है मेरी तरफ से मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो ये जम्मू कश्मीर की जो लड़कियाँ जो इस वाटर स्पोर्ट्स इवेंट में अपने हुनर का जलवा दिखाएंगे, और इन्हें कॉन्फिडेंट है कि ये गोल्ड यही लेकर के जाएंगे।